धान की पैदावार को 60 से 70% कम कर देने वाला यह रोग, जिसे हम बखाने व जंडर रोग कहते हैं। जंडर रोग धान की फसल के उभरते हुए रोगों में से एक है। भारत में पहली बार थॉमस द्वारा 1931 में सूचित किया गया था। यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में अधिक देखा जाता है। जहाँ भी बासमती किस्म उगाई जाएगी, वहाँ यह रोग देखा जाएगा। आइए किसान भाइयों, इस रोग को कुछ पॉइंटों में डिवाइड कर समझते हैं। सबसे पहले जंडर रोग का रोगजनक, जंडर रोग के लक्षण, जंडर रोग का जीवन चक्र और जंडर रोग से कैसे बचा जाए। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले जंडर रोग का रोगजनक। जंडर रोग एक कवक जनित रोग है जो फ्यूजेरियम फ्यूजीरोकोई के कारण होता है। साथ ही यह कवक जिब्रेलिन्स एवं अन्य जैसे कि कैरोटीनॉइड्स, बिकावेरिन एवं फ्यूजेरिन के उत्पादन के कारण होता है। जंडर रोग के लक्षण। बकाने रोग में विभिन्न प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। इसमें पौधा सामान्य पौधे से ऊपर निकलकर हल्के हरे रंग और लंबी पत्ती वाला हो जाता है। साथ ही किसान भाइयों, पौधे की बड़ी हुई पत्तियां कुछ ही हफ्तों के अंदर एक के बाद एक सभी सूख जाती है। अगर नहीं भी सूखती तो उनकी बालियां खाली रहती है। साथ ही किसान भाइयों, कुछ पौधों में क्राउन विगलन भी देखा जाता है, जिसकी वजह से पौधा बौना या छोटा रह जाता है। बकाने रोग का जीवन चक्र। यह एक बीजजन्य रोग है। यह रोगग्रस्त बीज जिस भी नए खेत में लगता है, इसका संक्रमण वहाँ अवश्य फैलता है। मर्दा के भीतर यह कवक मोटी कोशिका भित्ति युक्त कवक में दंतुओं या मैक्रोकोनोडिया के रूप में लगभग 4 महीनों तक जीवित रह सकता है। यह देखा गया है कि कम तापमान में बकाने रोग से प्रभावित पौधों की संख्या भी कम रहती है। 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर इस रोग के लिए अनुकूल रहता है। बकाने रोग पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। सबसे पहले तो बीज को साफ सुथरा व रोगमुक्त लगाना चाहिए। फिर भी अगर जंडा दिखाई दे तो उसे खेत से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि अन्य स्वस्थ पौधे संक्रमित ना हो। ध्यान, नए पौधे को काटना है, उखाड़ना नहीं। साथ ही किसान भाइयों, आपको फंगीसाइड का उपयोग भी करना है, जैसे कि आप ब्लूकोपर, प्रोपिकोनाजोल 25% टिलिट के नाम से आदि उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो इस रोग पर दवा इतनी कारगर नहीं हुई है, फिर भी आप फंगीसाइड का उपयोग अवश्य करें। तो इस प्रकार किसान भाइयों, आज हमने बात की बकाने व जंडर रोग के बारे में, उसके जीवन चक्र, उसका रोगजनक लक्षण और बचाने के लिए सभी जानकारी आपके साथ साझा की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।